का मैं हूँ आपके साथ माथुरी कलाल, लेकर हाजिर हूँ देश का सवाल और कहूंगी बार बार कि देश को जवाब दो। आज पूरा हिंदुस्तान पूछ रहा है कि बंगाल के साथ आखिर क्या खेला हुआ है, क्योंकि आज खुद को बंगाल की दीदी कहलाने वाली ममता को बंगाल की बेटियों की तरह से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने सीधा सवाल पूछा। सवाल ये कि बंगाल की बेटियों से खेला किसने किया, बंगाल में महिलाओं के सम्मान से जिसने खेला, क्या जनता उसे वोट करेगी, क्या जनता उन्हें चुनेगी जो 80 साल की बुजुर्ग को राजनीतिक रंजिश की वजह से निशाना बनाते हैं। आज बंगाल की दीदी पर राष्ट्रीय योजनाओं के नाम पर बदलकर उसका श्रेय लेने के भी आरोप लगे, जबकि टीएमसी नेताओं ने इलेक्शन कमीशन में ममता के साथ हिंसा की शिकायत की। सवाल है कि ममता राज में ही ममता से खेला कैसे। इन सारे मुद्दों पर बड़े पैनल से बहस करूं, लेकिन उससे पहले सवाल सुन लीजिए। सवाल ये कि दीदी ने बंगाल की जनता के साथ खेला किया, बंगाल में काम होबे या फिर खेला होबे, बंगाल में विकास होबे या दीदी का खेला होबे, दीदी आप काम भरोसे या फिर राम भरोसे, भगवती के अपमान का वोटर बदला जरूर लेंगे, यही सवाल के साथ शुरू करूंगी, क्योंकि 3 दिन से एक ड्रामा चल रहा है। ड्रामा भी ऐसा जिसमें लगातार कहा जा रहा है कि हमारे खिलाफ साजिश है, हमारे खिलाफ साजिश रची गई, हम पर हमला हुआ, जो कुछ हुआ उसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया और उसके बाद वानगी बदल गई। सवाल बहुत सारे हैं कि बंगाल में खेला होबे का नारा किसके लिए दिया जा रहा है, क्या जनता से विकास के नाम पर धोखा देकर खेला करेंगे आप। सवाल पूछूं मेहमानों से मिलवाओ, उससे पहले रिपोर्ट देखिए। धर्मेंद्र भाई स्वागतम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। बंगाल में दीदी को बेटी की ललकार, दुर्गा सरस्वती लेंगे बदला, जय मां दुर्गा मूर्ति विसर्जन होते दायना। बंग की जंग में आज एक बार फिर जय श्री राम के नारों से ममता बनर्जी को ललकार सुनाई दी। दीदी को बेटी की इस ललकार में हर वो बात शामिल थी जिससे पिछले कई दशकों से बंगाल की जनता जूझती रही है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने बंगाल में महिला सम्मान से खिलवाड़ और हिंसा के साथ भगवती भक्तों की आस्था के दमन का मुद्दा भी जोड़ दिया। मौका था हल्दिया में दीदी के खिलाफ सुवेंदु के नामांकन का, जो अखाड़े से पहले शक्ति प्रदर्शन का गवाह बना। दूसरी तरफ ममता के सिपह सालारों ने दिल्ली में चुनाव आयोग जाकर ममता के साथ हिंसा और साजिश किए जाने के आरोप लगाए। हम यही पॉइंट बोला, ममता बनर्जी पर जो हमला हुआ और जिससे उनका चोट लगा, जिस चोट के लिए वो अभी अस्पताल में है, उस पर हम सीसी को ये बोला। हालांकि सवाल ये भी उठे कि दीदी अगर बंगाल में कानून व्यवस्था के राज का दावा करती हैं, तो वो खुद हिंसा का शिकार कैसे हो गईं? पूरा मामला वोट की चोट के तहत संदेह की नजर से भी देखा जा रहा है। मगर बात बंगाल की हिंसा के साथ ही शासन की नाकामियों पर भी उठे और बंगाली बेटियों की आवाज बुलंद करती स्मृति ने ममता सरकार पर राष्ट्रीय योजनाओं में खेला करने का भी आरोप लगाया। राष्ट्रीय आजीविका मिशन, दीदी कोल्डन बांग्ला, प्रधानमंत्री आवास योजना, दीदी कोल्डन बांग्ला गृह प्रकल्प, दारुण खेल करेछो दीदी, महिलार सम्मान साथे खेला करेछो, आर दीदी तोमार खेलाटा रक्त दिए लाल करेछे बांग्लार माटीके। आमी आजके जानाते चाई दीदी, खेला करेई भवानीपुर छेड़ेछो।
दरअसल देवी पूजा की परंपरा वाले बंगाल में महिला सम्मान पहले पायदान पर रखा जाता है, लेकिन उसी बंगाल में जब 80 साल की बुजुर्ग को टीएमसी ने राजनीतिक रंजिश का निशाना बनाया तो ममता सरकार पर सवाल उठे। भगवती के भक्तों को जब दुर्गा विसर्जन और सरस्वती पूजा में व्यवधान डालकर रोका गया, सवाल उठे कि अल्पसंख्यक वोट हासिल करने के लिए ममता ने हिंदुओं की भावनाओं से खिलवाड़ किया। सवाल है, क्या दीदी ने बंगाल की जनता से खेला किया है? क्या भगवती के अपमान का वोटर लेंगे बदला? देश को जवाब दो। खेला होबे, यही नारा चल रहा है बंगाल में। ये खेला किसके साथ हो रहा है, किसके साथ होगा? जनता के साथ एक बार फिर से टीएमसी चाहती है, क्योंकि लगातार जितनी राष्ट्रीय योजनाएं थी उनका नाम बदलकर आपने अपने नाम से पेश कर दी, या कुछ राष्ट्रीय योजनाओं को आपने शुरू भी नहीं किया। आपको केंद्र की नाकामियों को दिखाना था। केंद्र और स्टेट के झगड़े में आपने उन लोगों के साथ धोखा किया जिन्होंने आपको चुनकर सरकार में सत्ता के शीर्ष पर बिठाया।